टाइम है कि वाहे वफा मैं तुझको भी है, हमरे प्रीतम भैया गोरखपुर के धरती से गुलदस्ता सादर 500 रुपया बहुत बहुत बंदन है। सकल पंच को मेरा नमन है। लाइन पर जरा गौर करेंगे, पढ़े लिखे लोग बैठे कि हिम्मत हो तो चल, हिम्मत हो तो चल, कभी पंचा मिला के थे आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे संगा मिला के थे आ जाएगा समझ में। हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के दे, पंजा से न फरियाए तो जंगा मिला, पंजा में न गरमाए सुधारी, अगर पंजा से मजा नहीं आवे तो ऐसे मजा जंगा से, जंगा से मजा आई। कहानी की शुरुआत है, जरा गौर करे के चंद्रभान चका आपको ध्यान दे, उमरी बगावत, उमरी बगावत की जब तक तूफान ठन गया, उमरी बगावत की जब तक तूफान ठन गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, उमरी बगावत की जब तक तूफान ठन गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना। और कहां की है मित्रों, मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम पत्रिका में बताया गया फौजी राम सिंह। फौजी राम सिंह के पत्नी का नाम था तारा देवी, दो लड़कियां रहन तारा देवी के, बड़े वाले बेटे का नाम था रंजीत और छोटे वाले बेटे का नाम था मंजीत। फौजी राम सिंह, यहां जो फौजी भाई होंगे या जिनके परिवार के फौजी जवान होंगे वो अपने परिवार और फौजियों का दर्द जानते होंगे। फौजी राम सिंह को अचानक गोली लगी ढाका में, वो शहीद हो गया, पत्नी विधवा हो गई, दो लड़कियां को लेके वो पाकिस्तान में छूट गई है, है कहां की, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की है, भारत की वो रहने वाली है। हेलो, इसको और गर्म करो, हल्का से थोड़ा सा उठाइए, भारत की वो रहने वाली पाकिस्तान के अंदर छूट गई है, दोनों बच्चों को लेके ऐलान कर दिया गया कि हिंदुस्तान के वासी अगर पाकिस्तान में हो तो वो हिंदुस्तान चले जाए। दोनों देशों की तरफ से ऐलान हुआ देश आजाद होने के बाद। लेकिन बाबूजी यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है, कहानी से ध्यान आप लोगों का हटेगा। वो तारा देवी करती क्या है, लेके अपने दोनों बेटों को अपने घर अपने भारत आ रही है, भारत आ रही है, लेकिन कट्टरपंथी लगे कि पकड़ लो, पकड़ गई साली को, इसकी आबरू लूट ले और इसके दोनों बच्चों को खत्म कर दो। पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद दिखाई गई, मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे हैं,
मुल्ला जी के सामने जाकर वो तारा देवी दोनों बच्चों को लिया है, रो करे ठीबा खियान तरज लग गया। यह दर्ज कराएंगा कि अरे मुंगरी से मारी मार करेजा भर के दावत है, हल्का से और बढ़ाओ यार, शरीर से पसीना छोड़ दे, सारा गर्म हो जाओ दगावे में, बढ़ाइए इस पर हल्का से हो मुंह है बढ़ाओ यार थोड़ा से। हेलो 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 वोल्टेज कम तो नहीं है, वोल्टेज मुंगरी से मार मार दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, दहिया मार ला तब भीतर ही घुसावे लग जरूर, मारा था तो घुसावा, लेकिन वो तारा देवी क्या कह रही है, अरे रो रो यारजी करीला बारंबार, अरे करीला बारंबार, अरे तुहरे माथे बा, तुहरे माथे बा ए मुल्ला जी जीतिया हमार, तुहरे माथे बा ए मुल्ला जी जीतिया हमार। शौक भी हमारे हो गए सपाना, चादर सुरा जगो तुमको मुन्ना जी जिंदगी हमार। ए ब्याह के सुनने वाले श्रोता बंधु, मेरे मुकद्दर के मालिक हैं आप सब, कलाकारों के भगवान हैं आप सब, कहने का मतलब कि वो मस्जिद का मुल्ला उस औरत का खुदा और भगवान हुआ, अपने मस्जिद में शरण दे दिया, लेकर दोनों बेटों को वो छिप गई, पाकिस्तानी साले आए पूछे उस मुल्ला से कि एक औरत दिखाई पड़ी, वो मुल्ला धर्म का पिता बन गया, जैसे चंद्रभान यादव जी हैं, जैसे हमारे चंद्रभान यादव जी प्रीति के धर्म के पिता बैठे हैं, वैसे वो मुल्ला तारा देवी का धर्म का पिता, धर्म की पिता की बात पे मैं अभी रह गा रहा हूँ, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा पिता के लिए, इस विराह में शुद्ध करूंगा, अगर नहीं करोगे तो फिर बेटी नहीं होगी, एक पिता करना पड़ेगा, इसीलिए विराह में गा रहा हूं। चंद्रभान चाचा तू ध्यान से सुनो, बिटिया का फर्ज का हो गौर करोगे, उस तारा देवी के धर्म के पिता वो मुल्ला बने, शरण दे दिया, छिपा दिया, पाकिस्तानी आए चले भी गए, निकल कर ए ब्रिटिश निकल, चंद्रभान चाचा निकल कर जाने लगी, अपने धर्म के पिता से मिलके जाते समय वो लड़की कहती है, वो औरत प्रीति गौर से सुनाएगा, जब तार बिया हो जाए लगी तो इनसे सवाल करूं, चंद्रभान चाचा से ओ बेटी कह रही है आप मेरे धर्म के पिता हैं, मांग लीजिए जो मांगना हो, अरविंद ध्यान दे बेटा, मेरे धर्म के पिता है, मैं आपकी बेटी हूँ,
बेटी होने के नाते मैं आपसे कह रही हूँ आप मांग लीजिए। वो मुल्ला कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, आप था चंदा भी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहा नहीं बेटी कुछ तो मांग लीजिए। बेटी अगर देना है तो जो दो लाल है रंजीत और मंजीत, जरा गौर करने के दो बेटे थे उसके, देना है तो दो बेटे में से एक बेटा तुम मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ इसको पढ़ा लिखा कर एक पाकिस्तान का मेजर बनाऊंगा। अर्थात प्रीति जी जो आपसे बच्चा पैदा होगा ये बेटा चंदन चाचा को दे दीजिए उनके बुढ़ाई के लिए, तब तो समझोगे आप धर्म की बेटी है। धरती में मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे और चंद्रभान भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मजबूर होकर उस तारा देवी को छोटे वाले बेटों को देना पड़ा। वादा किया कि पाकिस्तान का मेजर बनाऊंगा, एक ही तरह लग गया। अरे छोड़ गई ना रे, अरे छोड़ गई ना रे, रागता सुधरे सजनिया को छोड़ गई ना रे, तुम्हें सजनिया बेटा। हमारे भैया के तरफ से गुलदस्ता 100 रुपया का मुस्कान, हम जोतब चाहे खड़वा जोती चाहे भेड़ दे जोते जोतम रिकॉर्ड है गुलशन, जोतब चाहे तो का बुराई ना। यही तो बात है, वो ज्योति थी। ए बाबू, छोटा वाला भाई पाकिस्तान में, बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान में, कहानी भी करीब है, जरा गौर करेंगे आप लोग। समय आया, बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान में पढ़ रहा है, बीए किया, वांट निकला, परीक्षा दिया, सेना में फौजी जवान हूं। लेकिन पाकिस्तान वाला क्या कर देगा, वो पाकिस्तान में पढ़ेगा। मुल्ला जी पाल पोस रहे हैं, समय की नजाकत को चलते, मजहब को चलते, उस लड़के का नाम जाकर मंजीत से मजीद अली रख दिया, अर्थात मुस्लिम नाम रख दिया, मजीद अली उस लड़के का नाम मुल्ला जी रख दिया। समय आया, पाकिस्तान का मेजर बना वो छोटा वाला भाई, और हिंदुस्तान का मेजर बड़ा वाला भाई। एक दिन वर्दी टोपी में अपने घर आया है, माँ से कहता है कि मैं फौजी जवान हो गया, खींच कर एक तमाचा मारती है माँ, कहती हराम खोर, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा कि तू फौज की नौकरी कर, मेरे मांग का सिंदूर तू देख रहा है, मैं विधवा बनकर पूरी जिंदगी घूम रही हूँ, तेरा बाप भी फौजी जवान था, देश के लिए शहीद हो गया, अरे तो क्या मेरा पति शहीद हो गया तो क्या बेटा भी मेरा शहीद हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये भैया लड़कवा बोला था बहादुर पिता का बहादुर हो गया, अरे बहादुर पिता का बहादुर हो गया, भला पीठ रड़ में दिखाऊंगा कैसे, पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा ये भारी, मोहब्बत की मेरी चुना कर दे माता, खुशी से ललन का पिता कर दे माता। हमारे बाबूजी फौजी रहे शहीद हो गए, तुझे गर्व करना होगा, देश फौजी जवान की एक पत्नी के साथ साथ एक वीर पुरुष की तू माँ भी हो, शहीद हो जाऊंगा तिरंगे में लपेट कर फेंकवा देना, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में आजादी में लिखा जाएगा तारा देवी के पति
और दो बेटे दोनों शहीद हो गए देश के लिए, कर्म करना होगा माँ। लेकिन मित्रों नहीं मानता है, वो फौज की नौकरी कर लेता है क्या? अरे भुलाई गई रे, अरे भुलाई गई रे, तू ना उठा राम के पिछड़ावा। रंजित बीरा नवा शिवधारी घर पे यही ने मंजी सुगा नवा मजी तो हो गई ने अरे सना में बदहब कबूल कई ने तू नव धर्म के पिजड़ा। इस्लामी मजहब को कबूल कर लिया, मजीद अली उसका नाम पड़ गया। समय आया पाकिस्तान का मेजर और छोटा वाला बड़ा, हिंदुस्तान का मेजर बड़ा वाला बना, दोनों फौजी जवान बन गए। तो होता क्या, बता रहे कि क्या करूं, 26 साल रहते हो गया, हमें भी अनुभव है कि कैसे क्या बोलता है। ऐसा नहीं है, एक इच्छा हमारे उत्तर प्रदेश में बाजा है कि एक बार गवैया को खुदे भेज ना बैठे रहा था, कहा को मौका नहीं मिले, सादर 500 रुपया आगरी अध्यक्ष महोदय की तरफ से इस लाइन पर देते हैं। दोनों देश की तरफ से जब लड़ने के लिए जवान चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ से छोटा वाला भाई चल रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा वाला भाई चल रहा है, तो लाइन दी गई है मतवाला बनी के चली हजरवा। अरे मतवाला ओ मतवाला बन के चली भासरवा, अरे तयावादी पिलक धरती पड़े मतवाला। लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, माँ का आशीर्वाद दिया और लड़ने के लिए चल दिया। ऐलान कर दिया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है तो दोनों भाई, बड़ा छोटा वाला पाकिस्तान से और बड़ा वाला हिंदुस्तान से, जब चलते हैं देख लें तर्जबा हमारे उस्ताद हैदर हूं आप लोगों को। हिंदुस्तान का मेजर रंजीत भारत की तरफ से लड़ने के लिए पाकिस्तान से चला है, और पाकिस्तान का मेजर मजीद अली पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए चला है। लेकिन दोनों को पता कि हम भाई भाई हैं, धोखे से हिंदुस्तान के मेजर को पाकिस्तान का मेजर गिरफ्तार कर ले कहा गया पाकिस्तान के अंदर, कोड़ों की बरसात कर रहा है और पूछ रहा है कि हरामखोर तू कहां का रहने वाला है, कहता क्या है? अरे फिर हमारे कबूल हो Yeah.
लेकिन भेदवा नहीं बतलेबे। बोल दिया कहा हराम खोर, काट डालू का खाना तुझे। हराम खोर नहीं तो मैं उस देश वासी क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के। कहा बता तू कहां का रहने वाला है। कहा मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। कहा तेरी माँ का नाम। कहा मेरी नाम माँ का नाम तारा देवी है। जान लो मेरी माँ का नाम तारा देवी है। कहा तेरे मेरे पिताजी फौजी जवान थे, ढाका में अचानक शहीद हो गए। अच्छा कहा मेरा सारंगपुर गांव है। पता पूछते पूछते चल देता है बाबूजी बलिदानी मेरी माँ का। अरे बलिदानी मेरी माँ तो भूमि अमान न दिल का सहती है और उस देश के ही हम वासी है जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी। अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है। चूहे की बात तेरी। हिंदुस्तान का ही पानी डीजल ये जान लो जल्दी गरम गरम नहीं हो गरम ठंडा नहीं हो ये जान लीजिए। कहा ठीक है गौर करेंगे पाकिस्तान जेल में छोड़कर मित्रों हिंदुस्तान के लिए वो रवाना हुआ। कौन पाकिस्तान का मेजर मजीद है। जब हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ और रंजीत को उसे पाकिस्तान जेल में छोड़ दिया गाना भी करीब है। पूछते पूछते पूरा पता कहाँ पहुंचा। आज तो अपने दोनों बेटों की याद में और पति की याद में तारा देवी आपकी अंधी हो चुकी है। मजीद रंजीत बन के पहुंचा तक हाथ माई सब कुछ तो हरा भरा दिखा दो तेरे मांग में सिंदूर नहीं दिखा दो। मतारी रोई के ठियावा देते कितना के बड़ाक्टर यह दर्ज करें मल्ला भाई लोग आवती कि तोह के चढ़ाई पे मई अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा मई पर कर दो नवारिया हो कि गंगा मैया। लेकिन आंखों में आंसू लेकर बाबूजी मजीद अली जब सवाल करता है माँ से कि मांग में सिंदूर नहीं है माँ रो कर वो अंधी माँ कहती है रंजीत समझ के कि रोवली नी मतारी अरे मोर लाला लावा यादव जी पूर्वांचल युवा शक्ति दल के आप सदस्य इस लाइन को एक मां का दर्द समझ के आपने 200 रुपए दिया। बारे कमेटी बहुत सुंदर लगा आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। पैसा कौड़ी तो पूरी जिंदगी कलाकार कमाएगा और कमा भी रहा हूं कम मिले या ज्यादा मिले वो अलग की बात है लेकिन सम्मान से लोग बिरहा सुने अभी रहा सुनने के बाद चला जाने के बाद निर्णय पब्लिक करती है कि कौन कलाकार क्या था।
हम दोनों कलाकार वकील हैं, जज आप सब हैं, बैठ के फैसला आप लोग कर दिया। गेट बात यहाँ हो कैसे मिले कहानी मिलना जरूरी है, इस मंच से भी और उस मंच से भी, मजाक के साथ साथ प्रीति कहानी भी होना अति आवश्यक है। रंजीत तोरा अरे छोटा वीर, छोटा वीर नवार रहालन, मंजीत तोरा ए बेटावा छोटा वीर नवार रहालन, अरे मेजर बदलन पाकिस्तान नवा ए बेटा ए, तू दो भाई था, तेरे पिताजी को जब गोली लगी देश के लिए ढाका में शहीद हो गए, लेकर तू दोनों भाइयों को मैं पाकिस्तान से भगी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मेरा धर्म का पिता मिले। आदनी चंद्रभान यादव की बात याद आ गई, एक धर्म के पिताजी मिले, मुझसे मेरा बेटा मांग लिया, मैंने छोटे बेटे को दे दिया, वादा दिए कि एक दिन पाकिस्तान का मेजर बनाऊंगा। आज वो मेजर बना होगा, चाचा चंद्रभान जी मुस्कुरा दिया वो मंजीत अली, अरे आज जरूर तेरा बेटा मेजर बना होगा माँ, कहा वो मेजर वो भी है बड़ा वाला, पापड़ का लाइन दिया गया है। अरे दहल गया सुन माई का रुदन अब छतिया फाटेला, अरे दहल गया सुन माई का, अरे रुदन अब छतिया फाटेला, अरे ताले ये यूरोप का छतिया फाटेला, अभिषेक यादव जी जिला अम्बेडकर नगर, बारे अम्बेडकर नगर, हजारों कार्यक्रम मैंने अम्बेडकर नगर जिला में गाया है, और कभी 7-8 कार्यक्रम मेरा लिखा भी है करता बनारसी उजाला यादव जी के साथ, जो है सागर 100 रुपए, बहुत बहुत बंदन अभिनंदन। शिवा यादव जी आजादपुर मंडी से सागर 201 रुपए का आशीर्वाद, और एक गुलदस्ता पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद का ले आई हो, बड़ा गौर से सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, मैंने देख लिया नाम अच्छा कहां गोरखपुर की धरती से मेरे अशोक बाबू जी बिरहा बड़ा गौर से सुन रहे हैं, मैं वहीं से देख लिया, जो जोशी सोता है कलाकार की निगाह पड़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी, हमारे बिरादरी के बहुत दोस्त सम्मान सादर चरण स्पर्श, एक भी गाना हमारे करीब अतरी गुरु की, पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद का ले आई हो, अरे पांव पकड़ के बड़ के भैया के कहा जरूर आपका बेटा पाकिस्तान का मेजर बना होगा मां, हैदरपुर निवासी भैया को प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है, कुछ आतिथ्य लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसीलिए शायद छोटे लाल जी माइक्रोफोन पकड़ रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा अपने रंगमंच के माध्यम से, सांस्कृतिक रंगमंच के माध्यम से विश्वकर्मा भगवान के पर्व मनाने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है आता है, मेन निचोड़ अगर छूट जाएगा तो कहानी समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान जेल के अंदर अशोक बाबू आ गया है, कौन मजीद अली अपनी माँ को छोड़ के हिंदुस्तान से, और रंजीत जेल के अंदर बंद है, तो भाई जय सही नहीं भाई जैया भैया
मेरे सगे भाई हैं, आप मेरे सगे भाई हैं। टाट कर रणजीत बोला कि पगले, तू पाकिस्तान का मेजर है, मैं हिंदुस्तान का मेजर हूँ, तू मेरे पांव क्यों पकड़ रहा है, मेरा तेरा कहा नहीं, आप मेरे भाई हैं। मैं सारंगपुर गांव में एक दूसरे का नाम हाथ में मां को दवाई थी, देखी देखा करते हैं बाबूजी की मंजीत अली के हाथों में रंजीत का नाम है।